है तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि विद्यालय प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है और बच्चों की सुरक्षा का जहां तक सवाल उठता है तो शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस हादसे के लिए, इस दुर्घटना के लिए, इस मौत के लिए माना जाएगा? वही तो लाइव हो आप। फिलहाल जो चर्चा चल रही है उसके अनुसार यही देखा जा रहा है कि विद्यालय प्रशासन की इसमें सबसे बड़ी चूक रही है और फिर जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहराना उचित रहेगा। रवि, क्या किसी तरह की एक्शन की बात वहाँ पर उठ रही है? जी फिलहाल ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई है, पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है ग्रामीणों द्वारा, जिस पर तहसीलदार और अतिरिक्त बीओ रूप सिंह मीणा जी जहाँ पहुंचे थे और उन्होंने। चलिए रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ SDM जुड़ रहे हैं। राजपाल जी, ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से सामने आया है, बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक जिसके चलते एक 5 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। चलिए, संपर्क शायद उनसे नहीं हो पा रहा है। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, यह चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि। फिलहाल चले तो जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है इस हादसे पर, लेकिन